बाड़मेर शहर में विकास के नाम पर बन रहे नाले से राहगीरों, वाहन चालकों व दुकानदारों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। नाला निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए शहर के कई मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है। इससे शहर दो भागों में बंट गया है। इस वजह से शहर के भीतरी भाग में बाजार जाने के लगभग सभी रास्ते पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं। सड़कों पर फैला गंदा पानी व खुले गड्ढों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। शहर में सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक मंथर गति से चल रहे नाले निर्माण को लेकर डीसीएन लाइव की ओर से सिलसिलेवार खबर प्रसारण के साथ प्री मानसून की बरसात से हालात और भी खराब होने के बाद जहां नगर परिषद ने कार्य निर्माण की गति तेज करने के प्रयास शुरू किए। इस बीच नाले में जमा गंदे पानी को निकालने, मलबा हटाने की कवायद में नगर परिषद की ओर से शहर के प्रमुख मार्ग मालगोदाम रोड, गुरुद्वारा रोड, पुराना पोस्ट ऑफिस गली, मुख्य स्टेशन रोड, अस्पताल मुख्य प्रवेश मार्ग को बंद किए जाने से पूरा शहर दो भागों में बंट चुका है, जिससे स्थानीय बाशिंदों, आम रहवासी, वाहन चालकों, व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे बहुत परेशानी हो रही है। आना जाना सब्जी मंडी में मेन मार्केट यही है रास्ता, और ये रास्ता ने बंद कर रखा है। मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। फिर बाइक खड़ी करने के लिए दूर से चक्कर लगाने पड़ते हैं, उधर उधर से रास्ते गलियों से घूमने के जाना पड़ता है। वैसे मेरे को सिटी कोतवाली में आना जाना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत का काम सामना करना पड़ता है। मार्केट अंदर जब जाना पड़े तो रेलवे स्टेशन से सिनेमा हॉल से लेकर और हॉस्पिटल तक सारे रास्ते बंद है। मार्केट जाओ या तो रायकुलोनी होके जाओ या फिर सुभाष चौक होके जाओ। कितनी परेशान हो रही है? परेशान आमजन के लिए ज़्यादा ये परेशान सब कितनी। वहीं शहर के दो भागों में बंटने के बाद लंबे चौड़े नाला निर्माण में लगने वाले समय, ऊपर से मानसून की सक्रियता के साथ बरसाती सीजन के हालातों को देखकर नाला निर्माण के बीच रहा होने वाली बरसात के बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियों को देखकर अभी से ही भयावह तस्वीरों के हालातों की उभरती कल्पना को देख शहरवासी भय व तनाव के मारे सिहर उठ रहे हैं। सुरेश सोढ़ा की रिपोर्ट।